नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। Assalamualaikum and welcome to Nayi Subha Audio Library English Learning Tutorials for Foundation Course. मेरा नाम है सबा गजाली और आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस यानी के जमाने। बुनियादी तौर पर हमारे पास तीन जमाने हैं, यानी के जमाना माजी जिसे अंग्रेजी जबान में पास्ट कहते हैं PAST पास्ट। जमाना हाल जिसे अंग्रेजी जबान में प्रेजेंट कहा जाता है PRESENT प्रेजेंट। और जमाना मुस्तकबिल जिसे अंग्रेजी जबान में फ्यूचर का नाम दिया जाता है FUTURE फ्यूचर। सबसे पहले हम बात करेंगे जमाना हाल की। जब हम इन जमानों को मजीद तकसीम करते हैं तो इनकी चार अकसाम नजर आती हैं, जैसे कि इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इनडेफिनेट, ये जमाना हाल की वो किस्म है जो रूटीन से ताल्लुक रखती है, यानी कि वो काम जो हम यूजुअली रूटीन में आदत के तौर पर करते हों, यानी कि ही रन्स वो भागता है, अली लर्न्स अली सीखता है, आई स्टडी मैं पढ़ती हूँ, आई राइट मैं लिखती हूँ, आई ईट मैं खाती हूँ वगैरह। ये सारे के सारे काम वो एक्शन हैं जो कि हम रूटीन में करते हैं। तो आइए अब सीखते हैं हम प्रेजेंट इनडेफिनेट के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि चाहे आई, चाहे यू, चाहे वी या फिर ही शी वगैरह सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि ही शी वगैरह, तो उस सूरत में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे, वरना सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए अब सेंटेंसेस बनाते हैं। आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट में आई यानी के फर्स्ट पर्सन है जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसके बाद प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसके बाद क्रिकेट इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से ही प्लेज हॉकी, इसमें ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए हमने प्ले के साथ एस का इजाफा किया जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एडिंग एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हॉकी, हॉकी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसी सेंटेंस को हम इस तरह से फॉर्म करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आइडिया जो है वो रूटीन में जो काम जारी होते हैं इनकी निशानदेही करता है, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, यानी कि क्रिकेट वो एक्शन है जो इस वक्त जारी है। इस टेंस की मजीद काइंड्स के बारे में जानेंगे हम अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।